press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड आई एम कुश पांडे. आपका स्वागत है हमारे खास शो में जहां पर हम फोकस करते हैं उन सारी खबरों पर जो मैटर करती है फ्रॉम द पेपर दैट इज द हिंदू एंड द अदर करंट अफेयर्स. वेल टुडे वी हैव लोड ऑफ हेडलाइंस फ्रॉम द हिंदू. तो आज हम हिंदू पे ही फोकस करेंगे क्योंकि करीब हमारे पास 15-16 इंपॉर्टेंट खबरें हैं फ्रॉम द वेरी सेम पेपर दैट इज द हिंदू. सो गाइज वी विल फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट बट बिलीव मी जो हमारा पेंडिंग एक हेडलाइंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे. येस्टरडे वी हैड अ टेक्निकल पावर आउटेज लीडिंग टू कैंसलेशन ऑफ शो जिस वजह से हमारा जो 31st से 2nd अप्रैल का एक जो शो मैंने आपसे कल कहा था वो नहीं हो पाया. पर आज उम्मीद है कि कोई भी पावर आउटेज नहीं होगा एंड वी विल प्रोवाइड यू द शो बाय इवनिंग एंड आई होप सो देर विल बी नो व्हाट्सएवर नो पावर आउटेज व्हाट्सएवर. सो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे पहले हमारा आज का कोड क्या है बिकॉज टुडे वील फोकस ऑन वन ऑफ द लेजेंडरी फिगर्स ऑफ द 20th सेंचुरी समवन whom I adore, who was assassinated on the 3rd of April. His name is Martin Luther King Jr. Unka hi ek famous quote hai, the time is always right to do what is right. Samay hamesha sahi hai agar aapko sahi kaam karna hai. So it is up to you guys. Agar aapka examination nahi nikla hai, life mein failures hain, demotivated feel kar rahe hain, to jab bhi aap jagein, jab bhi aap sochein ki samay sahi hai, to bilkul har samay sahi hai, har cheez sahi karne ke liye. So with this, let's start the show. अगेन एंड एक बार आपको दिखाते हैं हमारे आज के पेज नंबर्स और वो ये रहे आपके सामने एंड ये रहे आपके सामने द पेज नंबर्स. गाइस पेज 1 वी हैव 2 हेडलाइंस देन वी हैव पेज नंबर 6 देन वी हैव पेज नंबर 7 देन वी हैव पेज नंबर 11 ऑन 12 वी हैव 3 हेडलाइंस देन वी हैव 2 फाइनेंशियल टर्म्स पेज नंबर 14 15 16 देन वी हैव 2 हेडलाइंस 17 एंड देन वी हैव पेज नंबर 18. ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. तो हमारे पास अगर हम ओवरऑल बात करें तो करीब करीब 10 से 15 हेडलाइंस हैं. इन पर हम आज आपके सामने फोकस करेंगे एंड अब दिखाते हैं आपको सबसे पहले हमारा आज का उससे पहले एक बार दिखा दें आपको हमारे न्यूज़ मेकर्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले हमारे हैं जो इस समय यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड अदर्स जिनका नाम है नितिन गडकरी. उनका कहना है कि करीब ओवर 9829 किलोमीटर of national highways have been built in the single year that is in the 2018 financial year. तो सिर्फ 2018 में ही 2829 किलोमीटर की रोड बनी है नेशनल हाईवेज बने हैं एज पर द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. देन वी हैव द CM ऑफ आंध्रा टू रीच आउट टू नवीन पटनायक एंड ऑल्सो टू ममता टू फॉर्म अ थर्ड फ्रंट. ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है. देन लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. मोहम्मद बिन सलमान हैज सेड दैट इज़राइल हैज़ राइट टू इट्स ओन लैंड. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू. जिनके इंटरव्यू आगे चलकर होंगे प्लीज़ इसके बारे में पढ़ लीजिएगा. ये इंटरव्यू में आ सकता है नॉट ओनली इन द UPSC बट ऑल्सो इन द बैंकिंग इंटरव्यूज पर से. सो प्लीज़ गो थ्रू कि बेसिकली ये इज़राइल का इशू क्या है एंड वाई हैज़ मोहम्मद बिन सलमान सपोर्टेड दिस इशू ऑफ इज़राइल एंड इट्स ओन लैंड. तो इसको भी एक बार आप देख सकते हैं.
Then we have Philander rips through Australia. South Africa win the very first home series against Australia, if I'm correct, after 1979. So basically, ye bhi ek badi khabar. So out of these four newsmakers, the first one, the third one and the fourth one, these are the three headlines out of the four newsmakers jo ki yahan par important hai. To chaliye wapas screen pe aate hain. Yes, of course, Shreya Basak, Chandrababu Naidu is India's richest chief minister. Bilkul aap sahi keh rahe hain. Manik Sarkar, who until recently was the chief minister jo ki ab hat gaye hain, he was also one of the poorest chief minister jo ki ab filhal unko apni pad chhodni padi because he has lost the elections. To chaliye shuru karte hain aur आते हैं आपको हमारी द इमेज ऑफ आर फर्स्ट हेडलाइन और वो ये रही आपके सामने. एंड बात करते हैं हम फेक न्यूज़ की. एंड ये हमने कल भी बात किया था, इस पर अपडेट ये आया है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी साहब, उनका कहना है कि ऐसा कोई भी नया रूल नहीं आएगा रिगार्डिंग फेक न्यूज़. एक खबर आई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ INB, जिनकी मिनिस्टर हैं मिसेज स्मृति जुबिन ईरान का. उनका कहना था कि अगर इफ एनी न्यूज़ इज रिपोर्टेड as fake, then either the Press Council of India or the News Broadcast Association, they will take time 15 days and decide whether it is a fake news. Aur agar wo fake news hogi to us par first offense will be for 6 months, the second offense will be for 1 year, and the third offense will lead to a permanent cancellation of the license of that news agency or newspaper. To ye khabar screen pe dikha dein. Ministry withdraws fake news verdict, decision follow directions from the Prime Minister. यहाँ पर पहला पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि स्क्रीन पर देखिएगा. The Information and Broadcasting Ministry withdrew its order issued on Monday under which accreditation of any journalist found guilty of disseminating fake news could be cancelled. दोस्तों एक को हमने कल डिस्कस किया था, बहुत डिस्कस को नहीं करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक बार आप समझिएगा ध्यान से कि अपार्ट फ्रॉम दिस द कंट्री मलेशिया इज ऑल्सो न्यूज बिकॉज मलेशिया में तो इसको यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है. तो यहाँ पर द फर्स्ट हेडलाइन गाइज इज मिनिस्ट्री विड्रॉज फेक न्यूज order and this comes after जो हमारे PM है उन्होंने कहा कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, मेरी सरकार चली जाएगी. मजाक कर रहा हूँ मैं, फिर भी ही वॉज वेरी adamant कि इस नए प्रपोजल को हटा दिया जाए. तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें इसका हमारा फर्स्ट PPT जहाँ पर आप देख पाएंगे. द INB मिनिस्ट्री विच वर्क्स अंडर द मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्टर मिसिज स्मृति जुबिन ईरानी हुज कंस्टिट्युएंसी इज गुजरात, शी इज़ अ राज्यसभा MP. तो उन्होंने इस ऑर्डर को हटा दिया है एंड ऐसा कहा है बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ. आगे चलें और आपको दिखा दें हमारा सेकंड PPT जहां पर कि मैंने कल का डेटा फिर से आपको दिया है, यहां पर इसको देख लीजिएगा. तो जो लोग कल शो नहीं देख पाए उसको एक बार देखिएगा, जहां पर देखिए लिखा भी हुआ है कि INB मिनिस्ट्री ने कहा था कि फेक न्यूज़ को लेकर PCI दैट इज़ द प्रेस काउंसिल एंड द NBA दे विल वर्क इन टू इट. नंबर 2 नंबर 3 दोनों का ही कहना है और अभी भी कहना है कि अच्छी पहल है, बट अब सरकार ने इसको वापस ले लिया है. नाउ देर इज़ नो न्यू चेंज as such regarding the fake news stuff. चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं और मेरे को देखा आंसर भी मिल रहा है कि 10 साल की सज़ा है और शायद 5,000 ringgit अगर मैं सही हूँ तो उसके ऊपर का अमाउंट दे हैव टू पे इन मलेशिया. तो वहाँ पर तो नया लॉ आ गया, इंडिया में नया लॉ नहीं आया है. तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा. अंबेर गुप्ता, मैं हिंदी में ही वार्तालाप कर रहा हूँ, डिस्कसिंग इन हिंदी एंड ऑल्सो इन इंग्लिश. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. एंड जो लोग अभी नए आए हैं, वी ओनली कवर्ड अ सिंगल हेडलाइन दैट फोकस्ड ऑन द फेक न्यूज़ जिसको मैंने कल भी डिटेल में डिस्कस किया था. अब ले चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज पे, वो ये रही आपके सामने. एंड दिस इज़ द नेक्स्ट इमेज गाइज. लेट्स फोकस ऑन द न्यू रैंकिंग्स, द रैंकिंग्स विच रेट कॉलेजेस, विच रेट यूनिवर्सिटीज़, विच रेट IITs, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस इन अमंग द टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेजेस इन इंडिया. तो एक रैंकिंग आई है दोस्तों, उसका रैंकिंग का नाम है द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, या फिर शॉर्ट फॉर्म इसका है द NIRF. उसकी रैंकिंग में वी हैव ओवरऑल रैंकिंग्स, वी हैव रैंकिंग्स फॉर इंजीनियरिंग, वी हैव मेडिकल रैंकिंग्स, वी हैव मैनेजमेंट एंड वी हैव लॉ. सो इन टर्म्स ऑफ दीज रैंकिंग्स आइए इन सब की रैंकिंग्स की बात करते हैं. तो IISc, JNU
and BHU are in India's Ivy League. Ivy League basically are the top colleges in the Western world, for example, especially in US and UK. So in terms of India's Ivy League, in terms of India's best universities, India's best colleges, we have number one spot by IISc, that is in Bengaluru, that stands for Indian Institute of Sciences. Then we have Jawaharlal Nehru University, Delhi, that is second. And then we have Apna's Pyara BHU, jo ki third par hai. So in terms of the National Institutional Ranking Framework, या फिर NIRF of 2018, we have at top ISC, second we have JNU and third we have the BHU. तो मैं आपके लिए first paragraph पढ़ देता हूँ. In a sector that has witnessed a lot of churn of late, मतलब churn मतलब मंथन हुआ है, काफी change हुआ है इस sector में, including student unrest, the roster of excellence continues to remain solidly predictable because in the very same ranking, again, the ISC Bengaluru has stopped for the third consecutive year, शायद तीसरे, लगातार तीसरे साल उसने top position पे हासिल की है, JNU आपका second pen, then we have the BHU जो कि screen पर आ फिलहाल देख भी सकते हैं. यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि इन टर्म्स ऑफ द कॉलेजेस, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस, मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली का है, दैट पर्टिकुलर कॉलेज हैज स्टूड एज द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, जो कि नंबर वन स्पॉट पे है, जो कि स्क्रीन पर आपके फिलहाल आ जाएगा. एंड द सेकेंड स्पॉट वी हैव सेंट स्टीफन्स कॉलेज ऑफ दिल्ली इटसेल्फ. सो हमने देखिए दो यहाँ पर बात की इन टर्म्स ऑफ द NIRF रैंकिंग्स 2018, IISc नंबर वन, JNU नंबर टू, BHU नंबर थ्री. इन टर्म्स ऑफ द कॉलेजेस वी हैव दिल्लीज मिरांडा हाउस नंबर वन, सेकेंड वी हैव सेंट स्टीफन्स, एंड देन वी हैव द अदर कॉलेज की स्क्रीन पर आप फिलहाल देख सकते हैं. In terms of the NIRF, जो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, it is basically based on 5 parameters, इसको जरा स्क्रीन पर दिखा देंगे हम zoom करके, जिनमें आपके आते हैं teaching, learning, research, professional practice, graduation outcomes, outreach and inclusivity and perception. तो basically ये 5 parameters भी हैं जिनको आप एक बार देख लीजिएगा. अगर बहुत आपका डिटेल में आया, अगर इस पर RC बना या इस पर अगर एक इस पर अगर कोई क्लोज टेस्ट बना, तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा. आई अगेन रिपीट, टीचिंग, learning and resources, research and professional practice, graduation outcome, outreach, inclusivity और आखिरी है perception. तो ये 5 आपके factors हैं जो कि यहाँ पर count किए गए हैं. तो पहले हम आपको दिखा दें वो graphic, because graphic में अच्छे से दिया हिंदू ने कि top colleges कौन से हैं medical में, engineering में, which is the top university. तो इसको एक बार देख लीजिएगा. तो screen पे आप दोस्तों देख सकते हैं, already हमने बता दिया overall. अगर engineering की बात करें, IIT Madras is at number 1, then Bombay, then Delhi. In terms of medical, of course, बहुत predictable है, जो आपका AIIMS है वो top पर है, फिर आपका जो post graduate institute है medical education का, चंडीगढ़ second पे, and then we have the Christian Medical College Vellore at 3rd. In terms of IIMs, in terms of management, Ahmedabad of course is first, Bengaluru and Calcutta second and third. In terms of law, NL, that is National Law School of Bengaluru at NLU, that is at number 1, then NLU Delhi at number 2, and then NALSAR at number 3. तो ये top 3 के आपके हैं लॉ में. बाकी मैंने बता दिया आपको, मिरांडा हाउस जो है वो कॉलेजेस में नंबर वन स्पॉट पर है. तो वापस स्क्रीन पर दोस्तों आते हैं और अब आपको ले चलते हैं इसी के द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स पर, जो कि ये रहा आपके सामने. मैंने डिटेल में आपको दे दिया है कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ों का खास ख्याल रखना है. सबसे पहले इस रैंकिंग का नाम मार्क कर देना, द रैंकिंग नेम इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, दैट इज़ NIRF नंबर वन. नंबर टू, दिस इज़ द थर्ड एडिशन, तीसरा साल है जब ये आपका हो रहा है, दैट इज सेकेंड. नंबर थ्री, विच इज़ द मिनिस्ट्री कंसर्न्ड, द मिनिस्ट्री कंसर्न्ड इज द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब यहाँ पर एक और सवाल बनेगा कि वर्तमान में हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ HRD, द आंसर विल बी मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर. आंसर क्या है उसका, इट विल बी मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर. राजकुंभ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज के लिए, क्या आप मजाक करते हो. नंबर थ्री, बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि हु, व्हाट इज़ दी कंस्टिट्यूएंसी ऑफ मिस्टर जावड़ेकर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इसको भी एक बार बताना है. देन थर्ड, इट इंक्लूड्स ओवरऑल रैंकिंग्स, कैटेगरी वाइज रैंकिंग्स, इंजीनियरिंग की, फार्मेसी की, मेडिकल की, मैनेजमेंट की, आर्किटेक्चर की. IISc नंबर 1 पे है, JNU नंबर 2 पर है,
कॉलेजेस में मिरांडा हाउस आपका ओवरऑल टॉप पर है. तो वापस चलिए स्क्रीन पे आते हैं. सो गाइज, आई होप वी हैव कवर्ड टू हेडलाइंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कवर्ड द फेक न्यूज़ जो कि अब नहीं बनेगी. सेकेंड वी हैव द NIRF रैंकिंग्स जिसमें कि ISC ने टॉप किया है. अब आगे बढ़ते हैं. उससे पहले एक बार जितने भी लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में हैं वो एक बार जरा अपनी बत्तीसी दिखा दें. आई वॉन्ट एवरी वन टू हैव अ ब्रॉड स्माइल ताकि हम आगे बढ़ पाएं अपनी आगे चर्चा में. सो एवरी वन प्लीज स्माइल गाइज, बिकॉज सुबह सुबह हंसना एक अच्छी हैबिट है. एंड अब आगे बढ़ते हैं. तब तक अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो आप शो को लाइक भी कर सकते हैं. मेरे को आंसर भी मिल गया कि मध्य प्रदेश इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ श्री प्रकाश जावड़ेकर. चलिए दिखाते हैं आपको हमारी अब नेक्स्ट इमेज और वो ये रही आपके सामने. एंड दिस इज द इमेज गाइज. ये जो हेडलाइन है ये पेज नंबर 6 पर है. इट विल फोकस ऑन अ न्यू मेथड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोमीटर्स कंस्ट्रक्टेड इन नेशनल हाईवेज. तो इसकी बात हम आपके सामने करेंगे. और ये जो दोस्तों खबर है ये है पेज नंबर 6 पर. ओके, ये पेज नंबर 7 पे, माफ कीजिएगा. ओके, वापस स्क्रीन पे आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इस बात को याद रखना कि जो हमारे मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, इनका नाम नितिन गडकरी है. उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लोकसभा MP है फ्रॉम नागपुर. उनका कहना है कि इंडिया विल नाउ यूज़ अ न्यू मेथड दैट विल बेस्ड ऑन द टोटल किलोमीटर्स कंस्ट्रक्टेड इन लेन्स एंड नॉट ऑन लीनियर डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी 4 लेन्स हैं एंड अ सिंगल लेन हैज़ एंड अ सिंगल लेन इन हाईवे हैज़ अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स एंड दैट हाईवे हैज़ 4 लेन्स. So the kilometers constructed will not only be 10 kilometers but it will be 40 kilometers because we've constructed 4 different lanes. तो याद रखिएगा कि पहले हम करते क्या थे कि अगर हमने एक हाईवे बनाया और वो हाईवे मल्टीपल लेन्स का है तो हम जो एक लीनियर डिस्टेंस था, मतलब अगर 10 किलोमीटर का एक हाईवे है भले उसके 4 लेन्स हो, वी वुड हैव रिटन दैट वी कंस्ट्रक्टेड 10 किलोमीटर्स. बट नाउ एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगर आपने 10 किलोमीटर रोड बनाई भी और उस रोड के 4 लेन्स हैं तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4. सो द आंसर विल बी 40 किलोमीटर. मेरे को मैथ भी आ गई, अच्छी बात है. सो बेसिकली यहाँ पर दैट इज़ द न्यू मेथड गाइस. सो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें. ओवर 9000 किलोमीटर्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर द NH अंडर द नेशनल हाईवेज. करीब अगर 9000 किलोमीटर के ऊपर आपके जो हाईवेज हैं वो कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आप हेडलाइन भी देख रहे हैं. मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. Over 9829 kilometers of national highways were constructed during the financial year 2017-18, recording a growth of 20% over the previous year, as per the Minister of Road Transport and Highways, Mr. Nitin Gadkari. यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि they have now applied adopted international standards for calculating highways, which focuses on measuring the lane kilometers instead of the linear distance. इससे पहले हम चेक करते थे कितना कंस्ट्रक्ट हुआ, हम वहाँ पर लेन्स की बात नहीं करते थे. अब हम लेन्स को भी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, जो कि स्क्रीन पर आप फिलहाल देख भी पा रहे हैं. तो वापस एक बार स्क्रीन पर आते हैं और इस बात को याद रखिएगा कि नंबर क्या है, 9829 किलोमीटर्स. नंबर 2 अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि अब नया मेथड है जिसमें कि अब वी कैलकुलेट द टोटल लेन्स इनटू द टोटल डिस्टेंस कंस्ट्रक्टेड और बिल्ट, दैट विल बी द न्यू फॉर्मूला. तो एक बार स्क्रीन पर हम आपको दिखा दें इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. Over 9,829 kilometers of national highways was constructed during the financial year 2017-18, recording a growth of 20% over the previous year. Number 2nd, Minister of Road Transport हैं, जो कि गडकरी साहब हैं, नागपुर से हैं, MP. मिनिस्टर ने कहा कि इसके अलावा उन्होंने नया मेथड निकाला है. उन्होंने नहीं, दे हैव अडॉप्टेड अ न्यू नॉर्म विच इज़ एन इंटरनेशनल नॉर्म फॉर कैलकुलेटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज. यहाँ पर अब तक अगर 1 किलोमीटर बना तो उसको हम 1 किलोमीटर मानते थे, अब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द नंबर ऑफ लेन्स जिसके लिए हमने कंस्ट्रक्ट यहाँ पर किया है. तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने कवर कर दिया है नेशनल हाईवेज के बारे में और यहाँ हमने बता दिया है कि कितना किलोमीटर्स आपका रोड अब कवर हो गया है. सो वी हैव कवर्ड 3 हेडलाइंस. और अगर अभी तक पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक किए बिना मत जाना. वी हैव कवर्ड 3 हेडलाइंस गाइस. चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन, और वो ये रही आपके सामने। एंड उससे पहले दोस्तों, ये कोई हेडलाइन नहीं है, पर एक बार यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा, बिकॉज हम यहाँ कर रहे हैं मैप प्रैक्टिस। सो यहाँ पर आपको बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में इस शो के बाद कि आंध्र प्रदेश में हाउ मेनी नेशनल पार्क्स हैं, नंबर वन। नंबर टू, आंध्र प्रदेश पिछले एक महीने से न्यूज़ में क्यों है, नंबर टू। एंड नंबर थ्री, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन आंध्रा। तो तीन सवाल आपके लिए हैं। पहले, नेम ऑफ द नेशनल पार्क्स इन आंध्रा, नंबर वन। नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज़ आंध्रा इन न्यूज़ फॉर द प्रीवियस वन मंथ। एंड नंबर थ्री, हाईएस्ट पीक क्या है आपका ऑफ आंध्रा। तो आंध्रा को ज़रा मार्क कर दो। ये आपका आज का मैप प्रैक्टिस है और मैं ये देखूंगा कितने लोग सही बताते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज इसको आपको यहाँ पर आगे चलकर करना है। चलिए अब दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही आपके सामने। दोस्तों, मैं हर शो में हर महीने कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली बात है कि क्विज़ हमारा नहीं हो पा रहा है, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा, पर जब हमें समय मिलेगा बिल्कुल हम उसे कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए अब आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट इमेज, एंड वो ये रही आपके सामने। टेक बैक द तलाक बिल, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन फॉर योर आरसी, फॉर योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज़ आरसी, एंड ऑल्सो फॉर करंट अफेयर्स। ये आपका जिन लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की भी और यूपीएससी की भी, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वील फोकस ऑन द एंटी तलाक बिल, जिसको लेकर जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपोज किया है। तो ये जो खबर दोस्तों है, ये खबर आपकी है ऑन, वन सेकेंड, दिस हेडलाइन गाइस इज ऑन पेज नंबर 11। ओके, तो इस खबर की बात करेंगे जो कि आपका पेज नंबर 11 पे है। वन सेकेंड, एंड ये खबर जो है इट फोकस ऑन द एंटी तलाक बिल, एंड इसको लेकर हम यहां पर आपके सामने अपडेट करेंगे। वन सेकेंड, ओके, वन मिनट। ओके, सो बेसिकली ये पेज नंबर 7 पे ही है, तो ये हमसे खुद यहाँ पर हो गया आज इशू। तो ये जो सवर है वो बगल में ही थी, क्योंकि पेज नंबर 7 पे दिखा दे स्क्रीन पे ज़रा, पेज नंबर 7, तब तो वापस स्क्रीन पे आते हैं। माफ़ कीजिएगा, 7 पे ही है, 11 पे नहीं है। सो एंटी तलाक बिल जो है वो ड्रकोनियन है, मतलब वो इट इज़ ऑब्सोलीट, और ये ऐसा बिल है जो कि एक तरह से गलत है, और वो चाहते हैं कि इस बिल को हटा दिया जाए, जिसको हाल ही में कहा गया। तो लोग देखिए, लोग मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो गए हैं लगता है, वही लोग आके शो कर रहे हैं अब, बिकॉज एवरीवन नोज कि पेज नंबर 7 पर है, तो अच्छी बात है। तो मैं आपके पढ़ देता हूँ। डिमांडिंग द विड्रॉल ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017। इस बिल को ज़रा मार्क कर देना, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसका ऑफिशियल नाम है, एंड ये इंटरव्यू पर्पज, एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। नाम इसका है दी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017। ये नाम है इसका। इट मेक्स ट्रिपल तलाक बिल इलीगल, ये यहाँ पर कहा गया है। उसको लेकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने, उसके जो वुमेन मेंबर्स हैं, उसने साफ तौर पे कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि यह बिल पास हो, एंड वो चाहते हैं इसका विड्रॉल यहाँ पर किया जाए। तब तक ज़रा कमेंट्स में आप डाल दीजिए हमारा टेलीग्राम लिंक, क्योंकि शो के बाद हम आपको PDF वहीं प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज़ प्रोवाइड द PDF लिंक, द टेलीग्राम लिंक ऑन द इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द वुमेन ऑफ द AIMPLB, दिस इज़ एंटी वुमेन, और ये महिलाओं और उनके बेसिक मुद्दे उनके खिलाफ यहां पर कहा गया है। तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने। Demanding the withdrawal of the Muslim Women Protection Bill 2017 that makes triple talaq illegal, कहा गया है, ये कहा है by the All India Muslim Personal Law Board AIMPLB ने। इस बिल में कहा गया है, जो कि राज्यसभा पेंडिंग है, कि अगर कि कोई व्यक्ति ट्रिपल तलाक को करता है तो ये एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, उसे इस पर बेल नहीं मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर वो डिवोर्स नहीं दे सकता, और अगर देता है तो ही विल फेस अ मिनिमम प्रिजन सेंटेंस ऑफ 3 years अलॉन्ग विद अ फाइन। तो ये दो चीज़ें हैं, पहला चीज़ कि ये इलीगल कर दिया गया एज पर द प्रपोज्ड बिल, नंबर वन। नंबर टू, अगर करता है तो इट इज़ अ नॉन अवेलेबल ऑफेंस। नंबर थ्री, 3 साल की सज़ा यहाँ पर हो सकती है, जो कि स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर बात समझिएगा कि बेसिकली ये जो पूरा आपका तलाक का सिस्टम है,
called as Talaq ul Sunnat. Ek baar isko mark kar do. That is basically the divorce system, if I am correct, in the Islamic religion, jiska naam hai Talaq ul Sunnat. Ispe hum adhik deep mein nahi jayenge. Aur yahan par jo important part hai, जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपके सामने है थर्ड पार्ट, जो कि तलाक ए बिद्दत है, जिसको कि हटा दिया गया है. तलाक ए बिद्दत कहता है विच अलाउज मैन टू प्रोनाउंस तलाक थ्राइस इन वन सिटिंग, समटाइम्स क्रॉल्ड इन अ रिटन तलाकनामा, और इवन बाय फोन और टेक्स्ट, उसके जरिए भी तलाक हो सकता है. तो वो जो थर्ड पार्ट है, दैट इज तलाक ए बिद्दत, उसको इलीगल कहा गया है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है. बाकी तलाक ए एहसान और तलाक ए हसन पर हम अधिक नहीं जाएंगे, एग्जाम में वो नहीं आएगा. पर याद रखिएगा कि तलाक ए बिद्दत जो है वो आपका किया गया. यहाँ पर पीछे मेरे सेज है, जो कल का मिसिंग पार्ट रह गया है. लोगों को याद है कि बेसिकली पीछे एक सेज रह गया, जो बड़ा ही कांटेदार है. पर परेशान ना हो, वो इमेज है, वो कोई भी मेरे को हार्म नहीं करेगा, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना होइएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड अब आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही आपके सामने. एंड दिस इज़ द इमेज गाइज. भारत के एम्बेसडर जो हैं, भारत के हाई कमिश्नर जो हैं पाकिस्तान के, और जो पाकिस्तान के NSA हैं, जिनका नाम है नसीर खान जंजुआ, उन्होंने हाल ही मुलाकात की है. इससे पहले द इंडस ट्रीटी कमीशन वाज आल्सो डिस्कसिंग, जहां पर कि हमारे पीके सक्सेना साहब और वहां के जो कमिश्नर हैं इंडस ट्रीटी के, उन्होंने बातचीत की. सो ओवरऑल इन द प्रीवियस वन वीक वी आर सीइंग दैट डिप्लोमैट्स, वी आर सीइंग दैट ब्यूरोक्रैट्स, दे आर मीटिंग अप. इनिशियली वी हैड अ मीट of the Indus Treaty commissioners from Pakistan and India, and now we have two commissioners, one the NSA and the other the Indian High Commissioner to Pakistan meeting, jinke naam yaad rakhiyega Ajay Bisaria hai, aur jo NSA hai Pakistan ke unka naam hai Mr. Nasir Khan Janjua. India ke jo hai NSA unka naam aapko pata hoga, unka naam hai Ajit Doval. To ye cheezon ko yahan par yaad rakhiyega. To ye ek important part yahan par hai. Komal Singh ji, because of power outage yesterday we were unable to upload the 31st to March to 2nd April headlines, पर आज हम उसको अपलोड कर देंगे. बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज पर, और वो ये रही आपके सामने. एंड दिस इज द इमेज गाइज. ये हेडलाइन दोस्तों है, ये पेज नंबर 12 पे है. एंड अभी हमने बताया था आपको टू प्रैक्टिस मैप ऑफ आंध्रा, एंड अब हम बताएंगे कि अब प्रैक्टिस करें मैप ऑफ इंटरनेशनल मैप, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं ऑफ टर्की. तो ज़रा टर्की को मार्क कर दो, जिसका कैपिटल लिखा हुआ है अंकारा, उसको मार्क कर दीजिएगा. एंड बेसिकली इसके नेबर्स में आपके सीरिया हैं, इराक हैं, देन वी हैव ईरान, देन वी हैव अर्मेनिया, वी हैव जॉर्जिया, तो ये सारे इसके नेबर्स भी हैं. इसके दोनों साइड्स पर, एक साइड इसका मेडिटेरेनियन सी है, एक साइड आपका ब्लैक सी है. एंड ये न्यूज़ में है बिकॉज जो सबसे बड़ा, जो पहला आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है ऑफ टर्की, उसको इनॉग्रेट किया है बाय द प्रेजिडेंट ऑफ टर्की मिस्टर रिसेप तैयब अर्दोगन, एंड ऑल्सो बाय द प्रेजिडेंट ऑफ रशिया, द न्यूली रीइलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया मिस्टर व्लादिमीर पुतिन. तो इन दोनों ने मिलकर इसको अपडेट किया. अब आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में आफ्टर द शो गेट्स ओवर. मैं कल इसको बताऊंगा कि व्हाट इज द कैपिटल करेंसी एंड प्रेसिडेंट ऑफ बुल्गारिया. जरा बुल्गारिया को मार्क कर देना, वो इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ यू हैव टू टेल मी द कैप, जो एकदम साइड में लिखा हुआ है बुल्गारिया. तो यू हैव टेल मी द कैपिटल करेंसी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ बुल्गारिया, जो कि अब मार्क आपके सामने हो गया. तो देखिए आज आपका दो होमवर्क है, पहला तो आपको बताना है आंध्रा के बारे में, सेकेंड यू हैव टू टेल मी अबाउट द कंट्री दैट इज़ बुल्गारिया. तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें हेडलाइन को. ये हेडलाइन आपके माफ कीजिएगा, ये हेडलाइन आपके सामने रही. पुतिन अर्दोगन लॉन्च द न्यूक्लियर प्लांट कंस्ट्रक्शन इन टर्की इट्सेल्फ, जो कि स्क्रीन पर अब आपके सामने फिलहाल आ गई है. Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Russian counterpart Vladimir Putin on Tuesday launched the construction of Turkey's first nuclear power plant in the Mediterranean Mersin region, as per the sources. Yahan par Mr. Erdogan ordered through a video link the launch of the $20 billion. Iska naam zara mark kar du main pen se. Iska naam hai अकल्यू, जो कि स्क्रीन पे आ गया है अक्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द रीजन ऑफ मर्सेन इन टर्की. इसका वैल्यूएशन है आपका अराउंड $20 billion. तब तक अगर आपको शो पसंद आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ शो को लगातार लाइक करते रहिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हमारी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जा रही है. चलिए तो वापस स्क्रीन पर आते हैं, दिखाते हैं आपको इसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हिंदू एंड स्टैटिक फैक्ट्स, जो कि ये रहे आपके सामने. टर्किश प्रेजिडेंट का नाम है रिसेप तैयब अर्दोगन. सिमिलरली जो प्रेजिडेंट हैं आपके
रशिया के उनका नाम है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन. इन्होंने लॉन्च किया है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरी फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट टर्की में. ये लॉन्च हुआ इन द मेडिटेरेनियन मर्सिन रीजन. मैंने आपको दिखाया था मैप के अंदर कि मेडिटेरेनियन सी इसके बॉर्डर्स पर है. इसका जो वैल्यूएशन है मार्क कर देना, इट इज़ $20 billion. और इसका नाम मार्क कर देना, वो है अक्यू या फिर अकुयू न्यूक्लियर प्लांट. तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर, इसका नाम क्या है और कितने वैल्यूएशन का है. और ये कंप्लीट अगर हो जाता है तो 10% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ऑफ टर्की विल बी, मतलब 10% जो इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है वो रिजॉल्व हो जाएगी. जो इसका फर्स्ट फेज है दैट विल बी कम्प्लीटेड बाय 2023, which is the 100th anniversary of the modern Turkey's foundation day, and बाकी complete होगा आपका 2026 में. अगर हम capital की बात करें तो capital यहाँ पर है आपका अंकारा. the currency of Turkey is Turkish lira. तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर आपके बनेंगे तीन सवाल. number one, what is the name of Turkey's first nuclear power plant, या फिर in which country is the Akyu nuclear power plant. Question number 2, what is the valuation investment, that is $20 billion. Question number 3, till which year it will be completed, it is 2026. What is the capital and what is the currency. ये सवाल यहाँ पर आपके बन जाएंगे. एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर है कि क्या टर्की एशिया में है कि क्या टर्की आपका यूरोप में. इज टर्की इन एशिया और इज टर्की इन यूरोप, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम समझ पाएं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं. तबीन साउची को नींद आ रही है. बेटा तुम सो जाओ, तुम बिल्कुल कंफर्म सो जाओ, मत सो. देखो नींद आ रही है, नींद ज़्यादा जरूरी है. एग्जाम तो निकलेगा, निकल ही जाएगा. चलिए अब आपको ले चले हमारी नेक्स्ट इमेज पर, और वो ये रही आपके सामने. एंड दिस इज द नेक्स्ट इमेज गाइज. विल फोकस ऑन मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकॉज इट हैज़ बीन 50 ईयर्स सिंस ही हैज़ पास्ड अवे. He has been an inspiration to many, not only in the US but also in India like me. And inka ek bahut hi famous saying hai, I have a dream. If you can dream, jo inka bahut hi famous saying hai usko pad lijiyega. Par yahan par important ye hai ki 50 saal ho gaye hain inki maut ko. Or he was a racism activist in US itself. And iske inke bare mein kuch cheezon ko aap dhyan dijiyega. Aur dekhiye yahan likha bhi hua hai, isko main aapko mark bhi kar dunga. इसको ही पढ़िएगा, बाकी चीज़ यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. 50 years ago on April 4, the struggle for racial justice in America suffered a big blow when Martin Luther King Jr., among its most respected proponents, was killed in a hotel balcony in Memphis. Here are the key moments from his life. तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ये बहुत रेलेवेंट नहीं है. यहाँ पर से सवाल आएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ फेमस, एक सवाल यहाँ पर आएगा. नंबर वन. नंबर टू, इनके बारे में पढ़िएगा. तो इसको आप शो के बाद में भी विस्तार से यहाँ पर पढ़ सकते हैं. बाकी जिनको इनका कोट पता है वो कोट को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड थॉट, जो कि इनका एक बहुत ही फेमस सेइंग भी है. चलिए तो वापस स्क्रीन पर आ चुका ऑलरेडी, अब आपको ले चलें हमारी नेक्स्ट इमेज पर, और वो ये रही आपके सामने. एंड दिस इज़ द नेक्स्ट इमेज गाइस, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर अब आ जाएगी. वेल, OPCW की बात करेंगे. OPCW का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स. इसकी अभी मीटिंग होने वाली है. दिस मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड अपॉन बाय रशिया सो दैट जो इशूज़ थे बिटवीन द अदर कंट्री उसको रिजॉल्व किया जाए. बिकॉज एक एक्स रशियन स्पाई थे, वी हैड अ डबल एजेंट हु वर्क फॉर द UK एंड ऑल्सो फॉर द रशिया इन हिज हेडेज. ही वॉज ब्रूटली मर्डर्ड अलेजिडली बाय द रशियन स्पाइज. रशियन जो स्पाइज, उन्होंने कहा गया है कि उन्होंने उस एक्स रशियन स्पाई को मार दिया था, उनको और उनकी बेटी को साथ में इन UK से. तब से देर हैज़ बीन सेवरल सैंक्शंस ऑन रशिया. कई डिप्लोमैट्स को हटाया गया है, बहुत सारे पंगे हुए हैं. पर यहाँ पर उसको लेकर देर इज़ अ मीट दैट विल टेक प्लेस रिगार्डिंग द OPCW. तो एक बार स्क्रीन पर हम आपको दिखा दें, और ये रही आपके सामने जो फर्स्ट पैराग्राफ. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन ट्यूजडे एक्सप्रेस होप दैट अ मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड्स केमिकल वेपन्स वॉचडॉग वुड पुट अ फुल स्टॉप टू द इशू ऑफ एन एक्सपाई हुज पॉइजनिंग इन ब्रिटेन हैज़ बीन ब्लेम्ड ऑन मॉस्को. देखिए, इन्होंने अग्री नहीं किया है कि इन्होंने ऐसा किया था. इन्होंने अग्री नहीं किया इन्होंने ऐसा किया था, पर दे आर ट्राइंग टू पैसिफाई, दे आर ट्राइंग टू पीस आउट थिंग्स. तो उसके लिए आपकी मीटिंग हो रही है ऑफ द OPCW. तो यहाँ पर एक तो पहले आप जानिएगा कि बेसिकली ये स्क्रिपल कौन थे, बिकॉज ये एक्सपाई थे
जिनको रशिया जिनको यूके के अंदर अकॉर्डिंग टू द यूके अथॉरिटीज रशियन स्पाइज ने असासिनेट किया, एक तो ये, एंड सेकंड ये OPCW क्या, बिकॉज ये अपने आप बन जाता है एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन, तो इस पर भी सवाल एग्जाम में आ सकता है। बाकी मुकेश तिवारी जी को बाकी लोग को एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा, साउंड का दिक्कत आ रहा है लोग कह रहे हैं, इज देयर प्रॉब्लम ऑफ साउंड, अब सही हो गया है, तो एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा इसका लिंक हमारे टेलीग्राम का, ताकि मुकेश सर और जैसे बाकी लोग इस PDF को शो के बाद एक बार देख लें। तो एक बार स्क्रीन पर दिखाइएगा, और ये रहा आपका द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स ऑफ दिस हेडलाइन। मेरे भाई हेडलाइंस मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बिकॉज हेडलाइंस एग्जाम में आती हैं, MCQs तो मैं हफ्ते में एक दिन कर सकता हूँ, पर हेडलाइंस मैं कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करूँगा, इस बात को याद रखिएगा। द वर्ल्ड्स केमिकल वेपन्स वॉचडॉग सेड इट वुड होल्ड अ मीटिंग ऑफ एट रशियाज रिक्वेस्ट, नंबर वन। नंबर टू, इस वॉचडॉग का नाम है जो एक रेगुलेटर है केमिकल वेपन्स का, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, नंबर टू। नंबर थ्री, ब्रिटेन ने कहा इट इज़ हाईली लाइकली दैट मॉस्को या फिर रशिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉइजनिंग ऑफ फॉर्मर डबल एजेंट सरगेई स्क्रिपल एंड हिज डॉटर यूलिया इन सैलिसबरी इन UK ऑन March 4, उनका ये आरोप है। अगर हम OPCW की बात करें तो फॉर्मेशन है 1997 में इसका, द मेंबर्स आर 192 इन टोटालिटी, जिसमें 192 आपके मेंबर्स हैं। देन वी हैव डायरेक्टर जनरल जिसके हैं उसका नाम है अहमद उजुमुसू, एंड जो हेडक्वार्टर जिसके हैं वो आपके हेग या फिर हाग नेदरलैंड्स के अंदर हैं। तो ये चार चीज़ें भी एक बार आप याद रखिए। सवाल यहाँ बन सकता है अबाउट OPCW, एंड सवाल यहाँ पर बाकी चीज़ों के भी बन सकते हैं। यहाँ पर गाइज साउंड अच्छा है, पता नहीं क्यों शिवाजी पूछ रहे हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अस द साउंड इज परफेक्टली फाइन। चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों। सो गाइज वी हैव कवर्ड टिल पेज नंबर 12, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं, अगर डाउट है तो एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने शो लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल उसको लाइक करके ही आगे बढ़ना, क्योंकि अब बारी है हमारे नेक्स्ट हेडलाइन की, और वो ये रही आपके सामने। लेट्स कम टू आर नेक्स्ट हेडलाइन गाइज, एंड ये स्क्रीन पे आपके है, एंड दिखा दें हमारे आज के फाइनेंशियल टर्म्स कौन से हैं। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं प्लीज़ रीफोकस करें, बिकॉज अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दी फाइनेंशियल टर्म्स। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहां पर हैं वो प्लीज फोकस ऑन दीज फाइनेंशियल टर्म्स। तो स्क्रीन पर दिखा दें हमारे आज के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स कौन से हैं, और वो ये रहे आपके सामने, एंड दीज आर द फाइनेंशियल टर्म्स। द फर्स्ट वन गाइस इज PMI जो कि आया है, जो कि लो हो गया है, एंड सेकेंड वन वी हैव इज द स्मॉल एंड पेमेंट्स बैंक। तो पहले बात करते हैं हम PMI के बारे में। देखिए आई विल टेल यू द कीवर्ड्स, आई विल टेल यू द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर PMI, बाकी कुछ मत पढ़िएगा। तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें PMI को A4 शीट पर, और वो ये आपके सामने PMI। सबसे पहले मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे फैमिली एक बार याद रखना कि PMI का पहली बात फुल फॉर्म क्या है, इसको एक बार देखिएगा। तो जो PMI का फुल फॉर्म दोस्तों है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इट इज पार्डन माई हैंड राइटिंग, बहुत ही बेकार है मेरी, तो प्लीज़ कोई इस पर कमेंट नहीं करेगा। तो इसका फुल फॉर्म है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अब सवाल बचेगा यहाँ पर, और सवाल पूछेंगे मुझसे भोला जी कि सर ये बताओ व्हाट इज PMI, आखिरकार जो आपका PMI है ये है क्या। तो सबसे पहले मैं आंसर दूंगा, और ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है दोस्तों, बेसिकली ये एक सूचक है, इन इंग्लिश इट इज बेसिकली एन इंडिकेटर। क्या है दोस्तों, इट इज एन इंडिकेटर, नंबर वन। नंबर टू क्या इंडिकेट करेगा, ऐसा क्या ये बताएगा, इट विल इंडिकेट द बिजनेस एक्टिविटी, जो भारत में व्यापारिक गतिविधियां हैं उसको ये यहां पर बताएगा, इट विल डिस्कस द बिजनेस एक्टिविटी। सो सेकेंड कीवर्ड दोस्तों क्या है, बिजनेस एक्टिविटी, और ये बताएगा बिजनेस एक्टिविटी नॉट ओनली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बट ऑल्सो इन द सर्विस सेक्टर। तो दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, बेसिकली इट इन इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिकली इट इज एन इंडिकेटर विच विल प्रोवाइड द इंडिकेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी नॉट ओनली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बट ऑल्सो इन द सर्विस सेक्टर, नंबर वन, दैट इज पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर फोर, इट इज कैलकुलेटेड बाय द मीन्स ऑफ अ सर्वे, एक सर्वे के जरिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, एंड
It is published at the start of every month, और इसका जो आखिरी में स्पॉन्सर है उसका नाम है निकेई। तो दोस्तों स्क्रीन पे देखिएगा, मैंने बहुत ही आराम समझाया है आपको। तो भोला जी ने मुझसे पूछा, मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर व्हाट इज पीएमआई। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएमआई क्या है, और जरा आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा पीएमआई का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म है, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, बेसिकली क्या है दोस्तों, बोलिएगा साथ में जय भोले जी की, हाँ क्या है, इंडिकेटर नंबर वन, किस बात का, बिजनेस एक्टिविटी का। नंबर टू, किस बिजनेस एक्टिविटी का, बिजनेस एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ऑल्सो इन द सर्विस सेक्टर। नंबर थ्री, नंबर फोर, इट इज कैलकुलेटेड बाय अ सर्वे। नंबर फोर, नंबर फाइव, पब्लिश्ड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, एंड इसका जो स्पॉन्सर उसका नाम क्या है, निकेई। अगर अभी भी आपको 100% समझ में नहीं आया तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ और समझा पाऊंगा, और अगर समझ में आया है तो कमेंट्स में डाल देना दोस्तों कि यस सर कम से कम 50% तो आज यहाँ पर समझ में आ गया है। और अब आगे बढ़ते हैं, दिखा दें इसी का हमारा PPT। आज मैं कोशिश करूँगा कि ये जो इमेज है A4 शीट पर इसको मैं प्रोवाइड आपको हमारे टेलीग्राम पर कर दूँ। तो ये रही आपके सामने द PMI। देखिए कितना टफ लग रहा है कि हम हिब्रू पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड दिस इज़ वेरी ईजी। So, बात समझो, PMI और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। इट इज बेसिकली अ सर्वे बेस्ड मेजर दैट आस्क्स द रिस्पोंडेंट्स अबाउट चेंजेस इन द बिजनेस एक्टिविटी। नंबर थ्री, इट इज कैलकुलेटेड एवरी मंथ सेपरेटली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, और एवरी स्टार्ट ऑफ द मंथ पे होता है, एंड बेसिकली ये एक इंडिकेटर है ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं अपने A4 शीट पर, और बात करते हैं अब हम स्मॉल एंड पेमेंट बैंक की। लेट्स फोकस ऑन द स्मॉल एंड पेमेंट बैंक, इसकी बात हम आपके सामने अब करने जा रहे हैं दोस्तों, और आराम से देखिएगा, बड़े आराम से। पहली बात एक बार याद रखना, इन दोनों का जो कैपिटल है, इन दोनों का वो है कितना है भाई, वो है 100 करोड़। द कैपिटल कितना है, दो बोलते रहो दोस्तों, देखिए ऐसे चलेगा नहीं काम। द कैपिटल ऑफ स्मॉल एंड ऑल्सो ऑफ पेमेंट बैंक कितना है, 100 करोड़। बाकी जितने भी बैंक हैं उनका कैपिटल होता है 500 करोड़। तो पहला जो एक डिफरेंस आया बैंकों में और स्मॉल पेमेंट बैंक में, ये आया कि स्मॉल बैंक का जो कैपिटल है दोस्तों कितना है, दैट इज 100 करोड़, पेमेंट का भी 100 है, पर बाकी बैंक कितना होता है जरा कमेंट में डाल देना, कितना होता है, 500 करोड़, दैट इज द फर्स्ट थिंग। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन आपका पेमेंट बैंक बन सकता है, कौन कौन आपका स्मॉल बैंक बन सकता है। कोई इंडिविजुअल भी एक स्मॉल बैंक हो सकता है, किसी ऐसा इंडिविजुअल जिसका एक्सपीरियंस 10 साल का है वो स्मॉल बैंक हो सकता है, कोई NBFC स्मॉल बैंक हो सकती है, कोई लोकल एरिया बैंक हो सकता है, या कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी एक स्मॉल बैंक को ओपन कर सकती है। तो ये बात ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनमें से कोई भी स्मॉल बैंक का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे 10 साल एक्सपीरियंस करने वाला प्रोफेशनल हो, चाहे NBFCs हो, चाहे लोकल एरिया बैंक्स हो, या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हो। और अगर हम पेमेंट बैंक की बात करें तो यहां पर होंगे आपके टेलीकॉम कंपनीज, यहां पर भी NBFC आ सकती हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आ सकते हैं। देखिए इस पर डी में घुसिएगा मत, सिर्फ जो लिखवा रहा हूं उसको देखते जाइए, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हो सकते हैं, सुपर मार्केट चेंज हो सकती हैं, रियल एस्टेट हो सकता है सेक्टर, और आपके PSU हो सकते हैं। तो देखिए आंसर देखा आपको कि यहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं, देखते रहना भाई ध्यान से, और कोई भी यहाँ से भागेगा नहीं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पर। यहाँ पर इंडिविजुअल्स कैन बी ए पार्ट,
10 years of experience wala can be a part, NBFCs can be a part, local area banks can be a part, LAB means local area bank, then microfinance companies can be a part. Similarly, यहाँ telecom companies, NBFCs, business correspondents, supermarket chains, real estate, ये हो सकते हैं. देखिए, देखते रहिए, इसको discuss करिएगा detail में. NBFC का full form है non-banking financial company. आगे बढ़ें और कुछ और मुद्दे पे यहाँ बात करें. इसके अलावा यहाँ दोस्तों देखिएगा कि अगर बात करें हम small bank की, तो ये loans दे सकते हैं. ये करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट कर सकते हैं और ये क्रेडिट कार्ड भी ऑफर कर सकते हैं. इनकी बात करें तो ये लोन्स नहीं दे सकते हैं. यहाँ पर सिर्फ आपका करंट अकाउंट होगा और सेविंग्स होगा. ये आपको आरडी और एफडी नहीं देते हैं और ना ही ये क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर कर सकते हैं. और करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट में जो मैक्सिमम बैलेंस होगा दैट विल बी 1 lakh rupees. दैट कैन बी द मैक्सिमम बैलेंस इन द करंट एंड सेविंग्स अकाउंट. दोस्तों मैंने बहुत ही आपको ब्रीफ में दिया है एंड इसको एक बार देखिएगा. ओके, एंड ज़रा एक बार वापस स्क्रीन पे आ जाएं. बहुत मैंने इसको डिस्कस नहीं करूँगा डिटेल में क्योंकि अब हमें आगे ही बढ़ना पड़ेगा. तो एक बार स्क्रीन पे दिखा दें इसी का द पीपीटी और जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगा. एंड ये रहा द पीपीटी गाइस, इसको एक बार देख लेना. मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा. अभी इसको मैं और डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा डीप में. तो इसको एक इस पीडीएफ को एक बार आप देख लीजिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. हु कैन प्रमोट, व्हाट दे मस्ट डू, व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे कांट डू, ये चार चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं. इसको एक बार देख लीजिए. तब तक हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों एंड आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर और वो ये रही आपके साथ. अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, वापस स्क्रीन पे आ जाएं कि द रीजन व्हाई पेमेंट बैंक इज इन न्यूज बिकॉज जियो का पेमेंट बैंक ओपन हो गया है. द जियो पेमेंट्स बैंक हैज ओपनड, नंबर वन. सो सवाल आपसे मेरा है कि वेयर आर द हेडक्वार्टर्स एंड हु इज द हेड ऑफ द जियो पेमेंट्स बैंक. ये दो सवाल के आपको आंसर अभी फिलहाल कमेंट सेक्शन में देने पड़ेंगे, नंबर वन. नंबर टू, स्मॉल बैंक क्यों न्यूज में है, बिकॉज जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज स्टार्टेड ऑपरेशन, इसलिए भी आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका न्यूज में है. चलिए अब आपको दिखा दें हमारी नेक्स्ट इमेज जो कि है ओला के बारे में. और ये जो हेडलाइन दोस्तों है ये मेंशन है पेज नंबर 14 पर. इसको दिखाने के लिए हम दे चलते हैं आपको अब फिलहाल 14 पर. तब तक अगर शो पसंद आ रहा है तो शो को लाइक करे बिना मत जाना भाई. ओला अक्वायर्स टिकटिंग ऐप फर्म रिडलर. ओला की बात करें तो ओला ने मुंबई बेस्ड एक कंपनी रिडलर है जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकटिंग ऐप है, इसको अक्वायर किया है. एंड इसके जो 64 मेंबर्स हैं दे विल नाउ वर्क फॉर ओला इटसेल्फ. तो स्क्रीन पर एक बार दिखा दें, ये स्क्रीन पर आपके सामने आ गया है कि ओला बेसिकली हैज़ अक्वायर्ड रिडलर जो कि एक आपकी इट इज़ बेसिकली एन ऐप, इसी बेसिकली टिकट ऐप जो कि स्क्रीन पे आपके सामने दिया हुआ है एंड इसको उसने अक्वायर यहाँ पर किया है. अगर हम यही हम दिखाते रहें तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो कंपनी ओला है ये भी मुंबई की है और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है दैट इज़ इन 2010, 7 साल पहले. और इसके जो इस समय CEO हैं उनका नाम है भावेश अग्रवाल. तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा. तो अपार्ट फ्रॉम द एक्विजिशन गाइस, द ओला वॉज स्टार्ट इन द ईयर 2010, ओला कैब्स. नंबर टू, इसके हेडक्वार्टर्स आपके मुंबई में है एंड इसका जो एक CEO है उनका नाम है भावेश अग्रवाल. और इसका जो एक बहुत ही फेमस ओला का जो बहुत ही एक फेमस सब्सिडरी है, एक फेमस जो कंपनी का नाम है फूड पांडा, उसको भी हाल ही में ओला ने अक्वायर किया था. तो उस चीज़ को भी एक बार आप देखिएगा. सो बेसिकली ओला का हिस्ट्री क्या है एंड ओला का जो फेमस एक सब्सिडरी है इसका नाम फूड पांडा है, उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा. चलिए तो वापस स्क्रीन पर दोस्तों आते हैं. देखिए ओला के हेडक्वार्टर्स में एक बार चेक भी कर लूँ. लोग कह रहे हैं सर बेंगलुरु में है. हाँ, माफ़ करिएगा, बेंगलुरु में है, माफ़ करिएगा, द हेडक्वार्टर्स आर इन बेंगलुरु. थैंक यू सो मच गाइज फॉर द करेक्शन. ये आपका बेंगलुरु में है. हाँ, इट वॉज फाउंडेड इन मुंबई बट हेडक्वार्टर्स आर इन बेंगलुरु. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, माफ़ करिएगा कान पकड़ के. सो फाउंडेड इन मुंबई बट हेडक्वार्टर्स आर इन बेंगलुरु, दैट इज़ करेक्ट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर और वो ये रही आपके सामने. राइड हेलर ओला हैज़ अक्वायर्ड मुंबई बेस्ड रिडलर एट एन एंड टू एंड प्रोग्राम एंड 64 एम्प्लॉइज वर्क करेंगे एंड ये
काफ़ी आसान सी खबर है। चलिए दिखाते हैं अब आपको हमारी नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही आपके सामने, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट इमेज गाइस जो कि स्क्रीन पर आपके सामने फिलहाल आ गई है। नाउ देर हैज़ बीन टू चेंजेस इन द BCI, जो आपका बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया है, उसमें दो चेंजेस हुए हैं दोस्तों, तो उसकी बात हम आपके सामने अब करने जाएंगे। और चेंजेस हुए हैं आपके इन टर्म्स ऑफ द अपर मैनेजमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टर्स। BCI's एक्टिंग सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी हैज़ गिवन अ 3-month एक्सटेंशन अप टू June 30, 2018 टू प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी हु कम्प्लीटेड हिज प्रीवियस एक्सटेंशन ऑफ March 31, 2018। अमिताभ हैज़ कन्वेड शेट्टी दैट ही हैज़ कंकरेंस ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट सी के खन्ना एंड एक्टिंग ट्रेजरर अनिरुद्ध चौधरी, जो कि स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। तो स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि रत्नाकर शेट्टी को मिला है एक्सटेंशन आपका अब 3 महीनों का, एंड ही विल अगेन रिमेन इन द बोर्ड मेंबर्स ऑफ द BCI, जो कि स्क्रीन पर आप फिलहाल देख भी सकते हैं। तो उनको 3 महीने का यहाँ पर एक्सटेंशन भी फिलहाल दिया गया है। अब सवाल है यहाँ पर कि उनकी प्रोफाइल कौन सी है, व्हाट इज़ दी पोस्ट ऑफ रत्नाकर शेट्टी, इसको आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज़ दी पोस्ट ऑफ रत्नाकर शेट्टी इन BCI, इसको एक बार आप जरा मुझे कमेंट बताइएगा। इसके अलावा बात करें तो वी हैव मिस्टर आशीष कपूर, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने इमेज दिखाई थी, ही हैज़ बीन नेम्ड एज द रिप्लेसमेंट ऑफ वेंकटेश प्रसाद इन द 3-member ऑल इंडिया जून सेलेक्टर कमिटी। वो उसके अब एक मेंबर हैं, ही इज़ नाउ जून सेलेक्टर। इनका नाम यहाँ पर है मिस्टर आशीष कपूर, जो कि स्क्रीन पर आप फिलहाल देख भी पा रहे हैं। रत्नाकर शेट्टी को मिला एक्सटेंशन 3 महीने का, एंड सिमिलरली वी हैव मिस्टर आशीष कपूर जो बने हैं जूनियर सेलेक्टर, एंड ही हैज़ रिप्लेस्ड मिस्टर वेंकटेश प्रसाद एज द जूनियर सेलेक्टर, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो देखो मेरे को आंसर मिल भी गया, ट्रेजरार हैं अगर मैं सही हूँ मिस्टर रत्नाकर शेट्टी, और उनको 3 महीने का एक्सटेंशन यहाँ पर दिया गया है। और एक और आंसर मिल रहा है मुझे, थैंक यू सो मच अनुपम मिश्रा, कि फाउंडेशन हुआ BCI का आपका 2028 में, एंड बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ट्रेजरार हैं ऑफ द बोर्ड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया, एंड इनफैक्ट अच्छा लोग GM भी कह रहे हैं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा बेसिकली वो है क्या। चलिए अब आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर, और वो ये रही आपके सामने, एनी आइडिया इनका पूरा नाम क्या, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस गोल कीपर्स ऑफ हिस टाइम्स, एंड इन्होंने अपना 1000 अपीयरेंस किया है इन इंटरनेशनल मैचेस, इन क्लब मैचेस, इन ओवरऑल मैचेस। इनका नाम है इकेर कासिलास, तो इनकी बात हम आपके सामने फिलहाल करने जा रहे हैं। तब तक अगर शो पसंद आ रहा है दोस्तों तो शो को लाइक भी करते रहना। आइकॉनिक स्पैनिश गोलकीपर एंड पोर्टोज इकेर कासिलास हैज प्लेड हिज 1000th मैच ऑफ हिज करियर ऑन मंडे। कासिलास वॉज मेकिंग हिज 108th अपीयरेंस फॉर पोर्टो, हैव प्रीवियसली टर्न आउट 725 टाइम्स विद बॉयहुड क्लब रियल मैड्रिड, अर्निंग 167 कैप्स ऑफ स्पेन। सो ओवरऑल बात करें तो 1000वां मैच हाल ही में खेला इकेर कासिलास ने, इंक्लूडिंग हिज नेशनल मैचेज विद स्पेन, विथ स्पेन, हिज मैचेज विथ रियल मैड्रिड एंड ऑल्सो विथ FC पोर्टो। तो ओवरऑल इन्होंने 1000 अब इंटरनेशनल मैचेज खेल लिए, इंक्लूडिंग क्लब मैचेज एंड ऑल्सो इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेज इज वेल। तो ये है इनका नाम, इकेर कासिलास है, ही वॉज रिसेंटली द कैप्टन ऑफ स्पेन, एंड इनकी बारे में यहाँ पर हमने बात फिलहाल कर ली है। अब दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही आपके सामने, मार्क नोल्स जो कि आपके सामने है, ही इज़ द ऑस्ट्रेलियन हॉकी कैप्टन, ही विल बी द फ्लैग बियरर फॉर द ऑस्ट्रेलियन ओलंप और ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ टीम। ये इंपॉर्टेंस लिए हैं दोस्तों बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है एट द गोल्ड कोस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स, एंड उसी कंट्री के जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं वो बने उसी कंट्री के दी फ्लैग बेरर। इंडिया की तरफ से आप सबको पता है वी हैव PV सिंधु, एंड फॉर ऑस्ट्रेलिया वी हैव मार्क नोल्स, जो कि स्क्रीन पर आप फिलहाल उनका नाम भी देख रहे हैं। तो स्क्रीन पर दिखा दें, ऑस्ट्रेलियन हॉकी कैप्टन मार्क नोल्स हैज़ बीन चोजन टू बी द फ्लैग बेरर फॉर द होस्ट एट द ओपनिंग सेरेमनी एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। इनके अलावा बात करें तो सैली पियर्सन विल लाइट द कॉल्ड्रन, जो कि वहाँ की जो लाइट हो जो होती है वहाँ पर दीपक ज्वाला या फिर जो लाइट कॉल्ड्रन होती है, एंड कैरन मर्फी विल टेक ओथ ऑन बिहाफ ऑफ द एथलीट। तो देखिए यहाँ पर 3 नाम आ गए,
पहला मार्क नोल्स का, ही विल बी द फ्लैग बियरर फॉर ऑस्ट्रेलिया. नंबर टू वी हैव सैली पियर्सन, जो कि जो वहाँ पर ज्योति है, द कॉल्ड्रन लाइट विल बी डन बाय सैली पियर्सन, शी इज बेसिकली वो होगा. एंड थर्ड यहाँ पर लॉन बोलर कैरन मर्फी होंगे, ही विल ओथ, ही विल टेक ओथ ऑन बिहाफ ऑफ द एथलीट, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं. श्रुति ठाकुर, ये फालतू की न्यूज़ नहीं है मेरी मैम, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट कॉमनवेल्थ गेम्स आपके होने वाले हैं. अब सवाल मेरा आपसे यहाँ पर है दोस्तों कि वो हु इज, वॉट इज़ दी मैस्कॉट ऑफ दिस ईयर्स कॉमनवेल्थ गेम. इस साल का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसके मैस्कॉट कौन है, उसका नाम आपको बताना है. एंड ये आपका कहाँ पर हो रहा है इसको भी आप स्क्रीन पर मुझे बताएंगे कि वॉट इज़ द मैस्कॉट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड किस जगह पर आपका हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम. तो ये दो सवाल आपके लिए मैंने दिए हैं, देखते हैं कमेंट्स में इसके आंसर कौन देता है. वापस स्क्रीन पे आ गए दोस्तों. ओके सो इस बार का मैस्कॉट कौन है एंड ये कहाँ पर हो रहा है. बेसिकली देखिए मैस्कॉट की अगर बात करें तो पहले अगर बात करें तो इसका ये हो रहा है आपका इन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर कि आपका ये हो रहा है. एंड अगला सवाल मेरा आपसे है कि इस बार का यहाँ पर मैस्कॉट कौन है, दैट इज़ ऑल्सो माई क्वेश्चन. जो इस बार का मैस्कॉट है दोस्तों उसका नाम है बोरोबी. मैं आपको दिखा दूंगा जरा वापस आ जाए पेपर पे. इसका मैस्कॉट जो इस बार है उसका नाम है बोरोबी, विच इज़ द मैस्कॉट ऑफ दिस ईयर्स कॉमनवेल्थ गेम्स. एंड बेसिकली अगर बात करें तो बोरोबी इज़ बेसिकली अ ब्लू कोआला बियर और ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का है एंड दिस इज़ द मैस्कॉट ऑफ दिस ईयर्स कॉमनवेल्थ गेम्स. और इस बार का जो मोटो इस बार का मोटो है शेयर द ड्रीम. तो वापस जब स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखिएगा. नंबर वन बोरोबी इज़ द मैस्कॉट एंड नंबर टू शेयर द ड्रीम इज़ द मोटो ऑफ दिस ईयर्स कॉमनवेल्थ गेम, जो कि स्क्रीन पर फिलहाल आप देख भी पा रहे हैं. चलिए अब आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज पर और ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज गाइज. एंड ये रही स्क्रीन पर हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. द रीज़न वाई ऐसा है बिकॉज वी हैव अ चाइल्ड प्रोडिजी इन टेबल टेनिस का नाम है एना हर्सी एंड शी सेट टू बिकम द यंगेस्ट एवर कंपटीटर एट द कॉमनवेल्थ गेम्स. तो स्क्रीन पर दिखा दें वेल्स एना हर्सी जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड इज सेट टू बिकम द यंगेस्ट एवर कंपटीटर एट द कॉमनवेल्थ गेम्स. तो उनका नाम याद, उनका नाम है एना हर्सी एंड शी इज़ द यंगेस्ट एवर कॉम्पिटिटर हु शैल बी कम्पीटिंग इन दिस ईयर्स कॉमनवेल्थ गेम, जो कि स्क्रीन पर फिलहाल आप देख भी पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट खबर पर और वो दिखा दें स्क्रीन पर द इमेज विद द खबर. एंड वो ये रही आपके सामने नासा ने, और ये हमारी आखिरी खबर है आज की, नासा ने स्पॉट किया है सबसे दूर दराज इंडिविजुअल स्टार. इट हैज स्पॉटेड द फार्देस्ट इंडिविजुअल स्टार एज पर द सोर्सेज. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सेटिंग अ न्यू डिस्टेंस रिकॉर्ड. एस्ट्रोनॉमर्स यूजिंग नासाज हबल टेलीस्कोप हैव डिस्कवर्ड एन इनॉर्मस ब्लू स्टार निकनेम्ड इकारस. इसका नाम इकारस दोस्तों, जो कि दुनिया का सबसे दूर दराज यूनिवर्स सबसे दूर दराज स्टार है. एंड इट इज द फार्देस्ट इंडिविजुअल स्टार एवर सीन. इसका ऑफिशियल नाम है MAC SJ 1149+222-3 लेंस स्टार 1, पर इसका जो अब फेमस नाम है दैट इज इकारस. दिस इज लोकेटेड अबाउट 5 बिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ. एंड जो डिफरेंस है वो आपका है अर्थ और गैलेक्सी का, जो गैलेक्सी में आपका ये स्टार है दैट इज़ द नेम दैट इज़ इकारस. तो याद रखिएगा द फार्देस्ट इंडिविजुअल स्टार हैज़ बीन डिटेक्टेड बाय नासा एंड इसका नाम इकारस है. दैट इज़ एटलीस्ट अबाउट 5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, जो कि स्क्रीन पर आप फिलहाल इसको देख भी पा रहे हैं. चलिए अब आपको ले चलते हैं हमारे लास्ट इमेज में. तब तक अगर आपको शो पसंद आया दोस्तों तो शो को बिल्कुल लाइक करिएगा. अनिल कुमार कास एना बिलोंग्स टू वेल्स, वो वेल्स की संबंधित हैं. चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट लास्ट हेडलाइन और वो ये रही आपके सामने गोल्स. देयर नो टेलिंग व्हाट यू कैन डू व्हेन यू गेट इंस्पायर्ड बाय देम. देयर इज नो टेलिंग व्हाट यू कैन डू व्हेन यू बिलीव इन देम. And there is no telling what you will happen when you act upon them. देखिए goal से inspire होना, that is the first thing. कितना भी inspire हो सकते हो, you can believe in that goal, but there is no such high by actually working on that particular goal. Until then, this is Kush Pandey guys signing out from the show. हमारा already batch start हो चुका है लक्ष्मीनगर में. जो लोग अभी भी join करना चाहते हैं उसको join कर सकते हैं. It has started from 21st of March. अभी सिर्फ हमारे 10 days हुए हैं, तो they can join that batch guys. Until then,
I'm signing out from the show, guys. We'll meet you again tomorrow, and I am certain that we will do the 31st of March to the 2nd April show today itself, and hum kal se baaki cheezon ko bhi add karna start kar denge. Thank you so much, guys, and peace out.